मेरा तिरो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन अपनी वाणी Oh,
Oh,
कृष्ण चैतन्य
नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवई प्रिया ऐ केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। समाधि देवं करुणा निदानं तमालवर्णं श्रुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जनं प्रभजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिवान् तुस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठा कर बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव को उपलक्ष्य करते हुए हम लोग 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हम करेंगे। कभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है क्या चीज, जैसे भगवान की जन्म उत्सव के लिए कर रहे हैं कथा, यदि ये भागवत और कोई नहीं ये भागवत ये स्वयं कृष्ण है। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण ये मर्त्य जगत छोड़ करके जा रहे थे उसी समय में वहां पर श्री उद्धव जी थे। बोले हे प्रभु जी, आप तो ये संसार दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी मैं किसका आश्रय ग्रहण करूं। कृष्ण ने कहा उद्धव कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो ये संसार छोड़ करके जा रहा हूँ लेकिन एक दूसरे स्वरूप में इसी संसार में रह भी रहा हूँ। तब श्री उद्धव जी ने पूछा प्रभु जी ये संसार में आप किस रूप में रहोगे। बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में ही जगत में मैं रहूंगा। अगर कोई कलयुग में ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करे, ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, कथा सुनना और बांके बिहारी जी से मिलना एक ही बात है। इसलिए बोले ये श्रीमद् भागवत में
कहते इसमें 12 स्कंद है, 12 खंड है। कहते 12 खंड क्या है? बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजा मही भागवतम स्वरूपम। बोले भागवत का, ये भागवत स्वयं कृष्ण है, इसका जो प्रथम द्वितीय स्कंध ये बांके बिहारी का दो चरण है। बोले तृतीय चतुर्थ स्कंध बोले ठाकुर का दो जंघा है। बोले पंचम स्कंध ठाकुर जी का नाभि कमल है। बोले षष्ठ सप्तम स्कंध ठाकुर का दो भुजाएं। अष्टम स्कंध भगवान की बक्षस्थल। नवम स्कंध ठाकुर जी की कंठ। दसम स्कंध ठाकुर की मुखार बिंद। और एकादश स्कंध ठाकुर का ललाट। और द्वादश स्कंध ठाकुर जी की सर। इसलिए ये श्रीमद् भागवत नहीं, यदि ये स्वयं भगवान कृष्ण ही जीव को कल्याण करने के लिए, बोले कृष्ण रूपी सूर्य जब अस्त हो गए, जैसे सूर्य अस्त होने पर गुंडे बदमाशी डाकू चोर भूत पिशाच की प्रताप बढ़ जाती है, लेकिन सूर्य उदय होने पर क्या होता है, ये सारे चोर गुंडा बदमाशियों का भय दूर हो जाता है। इसलिए कहती है श्रीमद् भागवत रूपी कृष्ण जगत में जब प्रकट हुए, जितने जीवों का दुख कष्ट काम क्रोध लोभ मोह ये सब के साथ दूर हो जाएगा। इसलिए अगर ये भागवत ग्रंथ को कोई अध्ययन करे, भागवत ग्रंथ को कोई पढ़े, बोले अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवतम स्वरूप। जो ये भागवत कथा श्रवण करेगा, जिस संसार को पार करना बड़ा कठिन है, अगर कथा श्रवण करो ना, आपको तो लगेगा नहीं कथा ही तो सुन रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले परीक्षित तेरे को कुछ कोई डर भय की कोई बात नहीं, तू सोच रहे ना सर्वत्र काटेगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठो और ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। और कथा सुनते 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 देखोगे सीधा ठाकुर जी के चरण में तुम पहुंच गए। ठाकुर जी की चरण में जब तक तुम नहीं पहुंच जाओगे तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत जो हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण चंद्र के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में ये भागवत और कोई नहीं, ये भागवत स्वयं कृष्ण है। और भगवान कृष्ण और कृष्ण कथा में एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं बांके बिहारी स्वयं एक दिन हमें दर्शन प्रदान करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी। कोई जय कोई हे बोल रहे, आज बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था है इसलिए जोर से बोलो। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी। बोले ये भागवत ग्रंथ है क्या जी? बोले निगम कल्प तरूर गणितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संजुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। बोले भागवत ग्रंथ है क्या जी? बोले ये भागवत ग्रंथ नहीं, ये कल्प ग्रंथ है। बोले भैया कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? बोले जो मांगोगे वही मिलेगा, इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर ये 7 दिन तक कोई सही सही कथा सुने, सही सही कथा सुननी चाहिए। अगर सही सही कोई कथा सुनेगा नियम से, कथा सुनने का पहला नियम क्या? बोले 7 दिन तक बिना खाए पिए कथा सुन। बोले आप तो कथा में बढ़िया बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था किए हो, हैं? रोज रोज कभी हलवा कभी बड़े सुंदर पूरी सब्जी हैं चावल और बढ़िया बढ़िया, आप तो 7 दिन तक कथा में प्रसाद की आप तो व्यवस्था किए हो। बोले अगर बिना खाए भी अगर कथा नहीं सुन सकते हो, दूसरा नियम बताया कि बोले घी पी कर कथा सुन। बोले भैया 1 किलो घी का कीमत 1,000-1,500 रुपया, फिर पेट पतला हो जाएगा बैठने में आएंगे। बोले अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो फिर तो फलाहार करते हुए कथा सुनो।
बोले भैया फल फल तो बड़ी कीमत है। बोले अगर ऐसे नहीं कर सकते हो, एक बार बढ़िया से भोजन करो और एक बार फलाहार करो, एक बार बढ़िया से भोजन और एक बार फलाहार करो। बोले ये सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसे अगर कथा नहीं सुन सकते हो, बोले भैया जितना बार भोजन करना करते रहो कोई बात नहीं, लेकिन कथा ठीक से सुनो। लेकिन नियम से अगर कथा सुनेंगे ये कल्प गिर जाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो निर्धन है उसको ये धन प्रदान करता है, जो संसार में दुखी है उनको सुख प्रदान करता है, जो रोगी है उसको निरोग प्रदान करते हैं, जिनकी संतान नहीं उनको संतान प्रदान करता है। अभी अभी ग्रेटर नोएडा में मैंने कथा की, एक माता जी के साथ 20 साल से संतान नहीं था, उसने ऐसे कोई काम नहीं, वो जो काम नहीं कर लिया, सारे काम कर लिया, जितने व्रत तीर्थाटन सब कर लिया, लेकिन उसको पता चला ये भागवत कथा सब कुछ देती, उसने नियम से 7 दिन तक कथा सुनी। अभी 20 साल के बाद में अभी उसको घर में बेटा जन्म लिया। इसलिए उन्होंने बोले बाबा जी आपका कृपा से ये भागवतों पर रोज रोज फल ला कर रखती थी और उसको लेकर खाती थी दोनों पति पत्नी। बोले मैं एक भागवत कथा कराऊंगा, क्योंकि एक नहीं मैंने कितने जगह पर हमने देखा है। इसलिए बोले हम भागवत कथा रखवाएंगे, क्योंकि भागवत कथा से हमें संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए बोले अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारती तिब्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। बोले जो निष्काम होकर के भक्ति प्रार्थना करे उनको भक्ति प्रार्थना प्रदान करती है, जो मुक्ति मांगती है उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। बोले सर्व काम जो सारे इच्छाओं को लेकर के कथा सुनते हैं उनको भी सारी इच्छाओं को पूरी करती है। लेकिन कथा सुननी चाहिए, ऐसे नहीं जब कथा समाप्त तो होने के लिए जाए ना तभी धीरे धीरे आ रहे, ऐसे नहीं। कथा सुनने का नियम है कथा से पहले आओ। आप जो सिनेमा देखने के लिए जाते हो बीच में जाते ना लास्ट में जाते हैं, बता कब जाते हैं? आधा घंटा पहले चले जाएंगे और लाइन में खड़े रहेंगे। अगर गंदी से गंदी फिल्म में होगा ना, अगर उसमें गंदी से गंदी फिल्म में हो, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो ब्लॉक में टिकट खरीदी करेंगे। और झूठ मूठ सिनेमा क्या है, गंदी चीज जिसमें झूठा चीज को एक उन्होंने रूपक दे दिया, यही तक किया है ना, झूठे चीज को और बैठ बैठ करके आंख फाड़ फाड़ देते, तीन तीन घंटा देखेंगे वहां पर और पैसा बर्बाद, सीधा नरक का रास्ता खाली करके घर में आता है। लेकिन यहाँ पर तो देखो ऐसी रूम है बिना पैसा के, इतना नहीं कथा के बाद में फिर प्रसाद की व्यवस्था है। इसलिए जो कथा है कथा सुनने का नियम है हनुमान जैसे कथा सुन, कैसे कथा सुननी चाहिए, कैसे हनुमान। बोले हनुमान मतलब क्या, कहीं अगर कथा हो बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, कहते एक जगह पर नहीं अगर लाखों जगह पर अगर प्रभु राम की कथा होना, सबसे पहले श्री हनुमंत लाल आते हैं, कहाँ बैठते हैं, सबसे पीछे बैठेंगे, हाथ जोड़ करके बैठेंगे, आंखों से आंसू बहाते हुए जिनकी रोंगट खींचा हुआ होगा गदगद होकर के कथा से पहले आएंगे और बैठेंगे। कैसे देखो ऐसे नहीं आए और बैठेंगे, नहीं, कथा सुनने का एक नियम है तन बांग मनोही। ब्रह्मा जी कहते हैं कथा तीन चीजों को द्वारा श्रवण करो, तन बांग मनोभी काय मन और वाक्य, तीनों से कथा सुननी चाहिए। बोले भैया तन और शरीर से कथा कैसे, कथा तो कानों से मन से सुनते हैं, आप कह दो तन से कथा सुनो, तन से मतलब क्या, आ करके ऐसे नहीं बैठी नहीं, नहीं। सबसे पहले कथा स्थल को प्रणाम, जहां पर कथा हो रही है सबसे पहले उसको स्थान को प्रणाम करो। बोले क्यों, बोले सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र, बोले जहां पर भागवत कथा होती है बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है कहां पर बैठते हैं, बोले जथा चुकादर कथा प्रसंग,
जहां पर भगवान कृष्ण की कथा होती है सारे तीर्थ वहीं पर विद्यमान है। इसलिए बताए ऐसे कोई क्या उपाय है जो एक साथ में हम सारे तीर्थ में स्नान कर सकते, कोई उपाय है? बोले एक उपाय है, आपको बताए पृथ्वी में कितना तीर्थ है? बोले 6 अरब। कितने? 1 अरब कितने में होता है? 100 करोड़ों में 1 अरब होता है। बोले पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ है। कितना पैसा खर्चा होगा बताओ सारे तीर्थ में नहाने का? लेकिन भागवत कहता है सबसे सरल उपाय क्या? बोले सबसे सरल उपाय आओ ये भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान कर लो। बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंति तत्रा, बोले पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है वहीं पर बैठे हैं। कहाँ पर? जहाँ पर ये भागवत कथा हो रही है। इसलिए भागवत कथा रूपी गंगा में नहा लिया मतलब अपने बैठे बैठे करके सारे तीर्थ में स्नान कर लिया। इसलिए शरीर से मतलब सबसे पहले जाकर के कथा स्थल को प्रणाम करो, जो कथा सुन रहे हैं उनको प्रणाम करो, जो कथा बोल रहे हैं उनको प्रणाम करो, और हाथ जोड़ करके बैठ करके आंसू बहाते हुए गदगद से कथा सुनो। और जो कथा ऐसे नहीं जब इच्छा हुआ बीच में खड़े हो गए, नहीं, ये पाप लगता है। अगर कोई विशेष जरूरत हो, नहीं तो लास्ट में क्या करो, जब कथा के विश्राम हो जाए सब भक्तों को प्रणाम करो, जहाँ पर बैठे वहाँ का ढोल लगाओ, जो कथा सुना रहे हैं उनको प्रणाम करो, फिर प्रेम से प्रसाद लेकर के लाइन में खड़े होकर के प्रसाद पा करके जानी चाहिए। इसलिए ये भागवत को बताया निगम कल्प तरूर गलितम कलम, हम कथा नहीं सुन रहे हैं, हम कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हैं। और जो लोग सब कलश लेकर गए थे ना, सब अभी भी कलश लेकर गए, आप लोगों को तो एकदम नियम से कथा सुननी चाहिए, कथा प्रारंभ होने से पहले आ जाओ, है अपना स्थान पर बैठ जाओ और नियम से ध्यान से कथा सुनो। और जो मांगोगे 7 दिन बाद में ना, जो मांगोगे अगर ध्यान से सुनोगे तो जो मांगोगे आपको वही फल की प्राप्ति होगी। बस श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। बोले जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है इसमें 4 ही अक्षर है भागवत। बोले इसका मतलब क्या है? बोले भाति सर्वेशु लोकेशु, बोले कियते नारदादि वर्तते सर्वलोकस्मिन् तस्मात् भागवतम विदु। बोले ये जो 4 ही अक्षर भागवत है इसकी 4 ही अक्षर में ये भागवत में है क्या चीज? ये 4 ही अक्षर में उन्होंने सब कुछ बात बता दी। बोले पहला अक्षर भा, बोले भा मतलब क्या? बोले प्रकाश। भा मतलब प्रकाश है। बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, यदि ये मत समझो केवल हम ही बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे ऐसे नहीं, बोले भागवत ग्रंथ की इतने महिमा कहते श्री उद्धव जी स्वयं कहते हैं। बोले मेरे गुरुपाद पद्म ने मेरे को कथा सुनाया था। बोले क्या सुनाए थे? बोले जिस समय भगवान कृष्ण बांके बिहारी ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की, उन्होंने सर्वप्रथम 3 देवताओं को उन्होंने प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारे काम सृष्टि करो, शंकर जी को बोले तुम्हारे काम है संहार करो, और श्री विष्णु को बोले तुम्हारे काम पालन करो। इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु जी आप तो बोले ये संसार को सृष्टि करो। बोले हाँ। बोले ये सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, अब ये काम कैसे करें, रजोगुण से मुक्त कैसे हो? तो बांके बिहारी बोले कोई चिंता मत करो, अगर ये श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक सुनोगे ना, ये रजोगुण से तुमको मुक्ति मिलेगी और भागवत कथा के प्रभाव से ये दुनिया को सृष्टि कर सकते हो। इतने में भोले बाबा आए, बोले प्रभु जी ये संहार करना ये तमोगुण का काम है, अब ये तमोगुण से मुक्ति कैसे मिलेगी? ठाकुर जी बोले एक काम करो, कथा सुनो और कथा सुनो। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं माता पार्वती बैठ कर कथा सुनती है, और वो कितने दिन में वो कथा को समाप्त करते हैं? कहते जब शंकर जी कथा सुनाते हैं हम लोग कितना दिन सुनेंगे? 7 दिन सुनेंगे। लेकिन शंकर जी वैष्णवानाम यथा संभव,
इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं परम वैष्णव है इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं, ये भागवत को समाप्त करने के लिए उनको एक साल लग जाता है, एक साल में ये कथा को पूरी करते हैं। और सुनने वाले कौन है? जगत अम्मा जगत जननी माँ स्वयं दुर्गा कवि सुनते हैं। अभी उनकी कथा विश्राम हो गई, अभी माता पार्वती मेरी कथा सुनाती, क्योंकि जो पार्वती ये वैष्णव है, ये वैष्णव है। जब पार्वती कथा सुनाती शंकर जी जितने सुंदर सुनाते हैं और जितने सुंदर व्याख्या करते हैं उनसे भी सुंदर व्याख्या माता पार्वती करती है, वैष्णव है। माता पार्वती इतने सुंदर कथा सुनाती हैं ये कथा को समाप्त करने के लिए 2 साल लगे, इसलिए शंकर जिससे भी ज्यादा सुंदर कथा माता पार्वती सुनाते। इतने में स्वयं नारायण आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से संसार का पालन मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन ये जो पालन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूँगा? ठाकुर जी बोले कथा सुनो और सुनाओ, इसलिए जब नारायण कथा सुनाते हैं माँ लक्ष्मी बैठकर कथा सुनती है और उनको 1 महीना लगता है, फिर जब माँ लक्ष्मी कथा सुनाती हैं स्वयं नारायण बैठकर कथा सुनते हैं उनको 2 महीना लग जाते हैं, 2 महीना लगती है। देखो ये भागवत कथा की प्रभाव से ब्रह्मा दुनिया को सृष्टि करते हैं, शंकर जी दुनिया को संहार करते हैं और नारायण जगत को पालन करते हैं, किसको द्वारा? बोले ये श्रीमद् भागवत कथा की प्रभाव से। मानो ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये भागवत कथा की प्रभाव से ही सारा दुनिया चल रहा है। इसलिए भागवत का जो प्रथम अक्षर है बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, ये समस्त लोक में ये भागवत की महिमा समस्त लोक में, बोले भा उसके बाद बोले ग मतलब बोले गीयते नारदा दीदी, बोले कथा को गान करने वाले कौन है? बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस कथा को करते हैं, इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। क्या कथा है? अमर कथा। क्यों? माता पार्वती को शंकर जी स्वयं ये अमरनाथ में कथा सुनाए थे। कौन कौन अमरनाथ गए हो? अब अमरनाथ गए हो कैसे गए? बस तो जाती नहीं वहां पर, इसलिए अमरनाथ जो लोग गए हो आप लोग देखे होंगे अभी भी वह स्थान है जहाँ पर शंकर जी बैठ करके माता पार्वती को कथा सुनाए, अभी भी वह स्थान है। इसलिए उनको कथा क्यों सुनाए थे? बोले कारण यह था शंकर जी स्वयं बोले पार्वती जब से मैंने ये अमर कथा सुनी है तब से जगत में ये अमरत्व को तब से मैंने प्राप्त किया। माता पार्वती बोले प्रभु आप तो अमर बन गए लेकिन मैं तो मरती जा रही हूँ, आप मेरे को भी वो कथा सुना दो। बोले ठीक है चलो मैं तेरे को अमरनाथ में लेकर कथा सुनाऊंगा। इसलिए बोले पार्वती जब मैं कथा सुनाऊंगा तुम हाथ जोड़ करके हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले तुम कथा सुना रहे हो। बोले ठीक है प्रभु। तब शंकर जी ये भागवत कथा सुनाना प्रारंभ की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। माता पार्वती हुंकार 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 भरते जा रही थी लेकिन कथा सुनते सुनते जब उन्होंने तत्व दर्शन की बात बताई मैया पार्वती सो गई। सो गई तो भगवत इच्छा से उसी वृक्ष को ऊपर में जिसे बट वृक्ष अभी भी वो बट वृक्ष है उसको ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। उसने देखा माता पार्वती तो सो गई, इनकी हुंकार भरना बंद हो गया, अभी तो शंकर जी कथा बंद कर देंगे, अभी कथा मेरी भी अधूरी रह जाएगी। फिर तोता भी मैया पार्वती की बोली से जैसे हुंकार भरते रहे। बोले बड़ी प्यारी कथा, उसको आगे क्या हुई बड़ी बड़ी आगे सुनाओ। शंकर तो भोले बाबा सुनाते ही जा रहे। जब कथा विश्राम हो गया फिर शंकर जी जयकार लगाए, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। मैया पार्वती का नींद खुल गई। देखो हम भी कभी कभी कथा में सो जाते हैं, दुनिया की कोई बात चुगली हो ना देखो ना एकदम जोश आ जाए, लेकिन जब भगवान की कथा हो नींद आ जाती है। इसलिए बीच बीच में जयकार देते हैं कथा में कोई सो नहीं जाता।
अभी मैया पार्वती नींद खुल गई, बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले कथा तो सब समाप्त तो हो गया, बोले नहीं मैं तो बीच में सो गई थी, बोले सो गई थी कैसे, अभी तो हुंकार भर रहे थे, बोले नहीं सो गई थी। शंकर जी ने देखा पर ये हुंकार कौन भर रहा था, क्योंकि जो भागवत कथा ये अमर कथा है, ये कथा जो सुनेगा कभी मरेगा नहीं। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति सुन लिया अगर अमर हो गया ये दुनिया के लिए हानिकारक है। शंकर जी ने देखा सुनी किसने, देखा वो वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। शंकर जी ने बोले तुमने ये ब्रह्म ज्ञान को तुमने चोरी किया है, त्रिशूल उठाए और उसको मारने के लिए पीछा की और वो तोता उड़ते जाए शंकर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। करते करते जब बद्रीनाथ पर पहुंचे वहां पर भी यही कथा व्यास देव अपना पत्नी को सुना रहे थे, उनकी पत्नी भी मुंह खोल करके कथा सुन रही थी। इतने में वो तोता ने गए और सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनको मुंह में प्रवेश कर गए। शंकर जी ने बोले तोता गया कहाँ है, व्यास देव जी ने पूछे अब कहाँ से हफ्ते हफ्ते आ रहे हो, बोले बड़ा अनर्थ हो गया, बोले क्या हो गया, बोले कि तोता ने अमर कथा सुन ली, बोले अमर कथा मतलब क्या है, बोले जो सुनेगा मरेगा नहीं, बोले सचमुच से आप भूले ही हो, आप स्वयं कहते हो ये कथा अमर कथा जो सुनेगा मरेगा नहीं, ये बताओ तोता कथा सुनेगी नहीं, बोले हाँ सुन गई, बोले सुन गई तो अमर हो गया, फिर आपको मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो। शंकर जी बोले अभी तक तो मेरे ध्यान में नहीं था, बोले सचमुच से आप भोले बाबा हो। इतने में शंकर जी ने देखा अगर ये कोई साधारण तोता होता है ना वो कभी भी 7 दिन तक बैठ कर कथा नहीं सुन सकता, कभी नहीं सुन सकता, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कथा कौन सुन सकता है, बोले पापी बैठ नहीं सकता, पापी कथा में नहीं बैठ सकता है। कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम, कहते वही व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म में कोई पुण्य उदय हुआ हो। टीवी खोल करके सीरियल फिर के निकलता बैठ गए उल्टा पुलटा चीज को, लेकिन भगवान की कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये पापियों को ना ये भगवान की कथा सुहा दे, पापियों को दुष्टों को नहीं सुहाता है। इसलिए श्री नारद जी जब श्री दशरथनाकर वाल्मीकि को बोले, बोले बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला, क्यों, वो पापी था। ये पापी को मुंह से भगवान के नाम भी नहीं निकलती है और ये पापियों को मुंह से भगवान की कथा भी कान से सुनी नहीं जाती, उनको ये चीज नहीं सुहाती, इसलिए करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर कथा को सुनेगा। शंकर जी ने देखा फिर कथा सुनी को, ये कथा किसने सुनी, उनने ध्यान लगाया तो है शंकर जी ध्यान लगाया तोता कौन है, जब ध्यान लगाया ना उनने सब कुछ उनने देखा, क्या देखा, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनीना एकांत कनन रहस्य पाटी निकुंज प्रसाद सदा निवास। बोले ये तोता कोई साधारण नहीं, ये तोता कौन है, बोले गोलोक वृंदावन से जब श्री बांके बिहारी इस दुनिया में आए उसी समय में वो साथ में गोलोक वृंदावन से वो तोते को लेकर आए, जो तोते को राधा रानी अपना हाथों में बैठा करके आना रखी दाना खिलाया करती थी, राधा नाम का पाठ सुनाया करती थी, कृष्ण बोल राधा रानी बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, वो तोता भी बड़ी मीठी मीठी आवाज राधा रानी की गला की आवाज जैसे बोलती थी कृष्ण कृष्ण। एक दिन राधा रानी कृष्ण विरह में एक 4 लाइन का श्लोक होने पड़ी, कैसे कृष्ण के प्रति मेरी प्रेम हो गया, लेकिन कृष्ण तो साधारण है नहीं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, अभी वो श्याम सुंदर को मैं कैसे प्राप्त करूंगी राधा रानी, बड़ी सुंदर एक श्लोक सुनाई, लेकिन जो तोता है ना वो श्लोक सुन करके राधा रानी की 3 तोता थे, कितना तोता थे, एक तोता है विचक्षण, विचक्षण मतलब बड़ा चतुर है, एक तोता का नाम मंजूभाषी, मंजूभाषी मतलब जो बड़ी मीठी मीठी बात कहती थी, एक तोता का नाम सुधा,
ये तीनों तोता अलग अलग काम करते थे। ऐसे कोई तोता होता था जो कि कृष्णा राधा रानी को पास में कोई खबर पहुंचाना, राधा रानी को कृष्ण को पास में, ये तोता दोनों दोनों को खबर पहुंचाया करती थी। आज श्याम सुंदर बांके बिहारी कहाँ पर उन्हें सुंदर कुंज बनाए, आज इनकी मिलन कहाँ होगी, एक तोता वो सारी खबर दिया करती थी। आज यहाँ पर राधा कृष्ण के मिलन होगी, इसलिए वो तोता पूरा का पूरा श्लोक सुन करके याद कर लिया। और एक दिन राधा रानी के हाथ से उड़ते उड़ते कहाँ चला गया, आ गया नंदगांव में। अभी नंदगांव में आकर के पेड़ के ऊपर बैठ करके बड़ी सुंदर राधा रानी की भजन गा रहा था। बोले राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, 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 श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, गोकुल में बोले यमुना के धार श्रेयाबाजाई राधे राधे, यमुना के धार श्रेयाबाजाई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, राधे कैया भी बोले राधे, बजरे भी बोले राधे, कैया भी बोले राधे, बजरे भी बोले राधे, गोधर के धार प्रिया बाजाई राधे राधे, गोधर के धार से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोल राधे राधे। बड़ा सुंदर भजन गा रहा था कृष्ण तो चौंक उठे, बोले एकदम राधा रानी की गला की जैसे आवाज, बड़ी मीठी मीठी। बोले भैया इतने सुंदर कौन भजन गा रहे हैं, देखा है कि तोता बैठ करके गा रहा था। इतने में उनने तोता को बुलाया तो वो तोता उड़ते उड़ते आया और कृष्ण को हाथ में बैठ गया। बोले बोलो तो अभी क्या बोल रहा था, उनने चार लाइन का एक संस्कृत श्लोक पूछा। बोले भैया तोता होकर के संस्कृत श्लोक बोलता है और राधा रानी की गला की आवाज जैसे सुंदर उनने के पिंजरा बनवाई और तोते को उसका अंदर में रख दिया। अभी राधा रानी बड़ी दुखी होकर के एक मधुरिका नामक सखी को भेजा, देखो तो ये तोता कहाँ गया। देखा तो श्याम सुंदर उसको हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिला रही थी और उसको उसको ऊपर में हाथ को फेरा रही थी। वो सखी ने बोले श्याम सुंदर ये तोता हमारी किशोर जी की, ये पालता तोता। कृष्ण बोले अगर तुम्हारी किशोर जी की पालता तोता तुम घर बुला, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारे हाथ में चले गया तो फिर मैं समझूंगा भैया तुम्हारा तोता फिर ले जाना। बोले कृष्ण तुम्हारे नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या होता है, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना, जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में आकर्षण करते हैं, सबको जो आनंद प्रदान करते हैं। बोले बताओ जो एक बार तेरे हाथ में बैठ जाए, तू इतने प्यार से उसको लाड लड़ाओगे और अनार की दाना खिलाओगे, तेरे को कोई छोड़ सकता है, तेरा नाम ही कृष्ण है, विश्व ब्रह्मांड को तो पागल बना कर रखे हो, हैं ये कभी छोड़ सकता है। बोले भैया तोता तो घर मेरे वह तुम जाओ। उसने मैया जसोदा को पास में गई, बोले मैया हमारी किशोर जी की तोता उड़ते हुए आ गया और श्याम सुंदर पकड़ लिए देना नहीं चाहते। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गैया चराने जाएंगे पीछे से मैं
भेज दूंगा। फिर उन्होंने पीछे से तोते को भेज दिया। इसलिए शंकर जी ने देखा ये तोता है को, ये 7 दिन तक बैठा कैसे और कथा सुनी कैसे। सचमुच जब उन्होंने ध्यान लगाए, उन्होंने सब कुछ उन्होंने दर्शन किया है। ये तोता कौन है? राधा रानी के निकुंज महल में जो निवास करता था, कभी कभी राधा रानी उसको चुंबन करते थे कृष्ण मान करके, और राधा जी की जो अधरा मृत उसको ठोंट में लगा था। इसलिए ये तोता कोई साधारण नहीं। इसलिए जैसे भगवान राम जब ये अयोध्या धाम छोड़ करके अपना वैकुंठ में जा रहे थे, उनने सब दुनिया को लेकर गए, लेकिन इसलिए हनुमान को लिया। बोले क्यों? बोले अगर हनुमान चला जाएगा फिर राम भक्ति जगत में कैसे प्रचार होगी। उसी तरह कृष्ण जब ये दुनिया छोड़ कर गए, ये तोता भी तैयारी हुआ। कृष्ण ने कहा देखो तोता, तुमने मेरे सारे लीला को दर्शन किए हो, अगर तू चले जाओगे तो मेरे भक्ति कौन प्रचार करेगा। इसलिए उस तोते को प्रभु छोड़ कर गए। और यही तोता ही इन्होंने श्री व्यास देव की पत्नी को गर्भ में प्रवेश की, और वही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने ये भागवत श्री परीक्षित महाराज को सुनाए, और जहाँ पर 88,000 ऋषि लोग बैठे करके सुने। इसलिए बोले देखो ये कथा की कितने महिमा है। शंकर स्वयं कहते हैं ये कथा सुन करके ही मैंने अमरत्व की प्राप्ति की, और माता पार्वती जब तक ये कथा को नहीं सुनती थी तब तक ये शरीर छोड़ती रही, लेकिन जब से उन्होंने ये कथा सुनी तब से पार्वती देह शरीर नहीं छोड़े। मतलब है अगर हम भी ये भागवत कथा श्रवण करेंगे ये जगत में अमरत्व को प्राप्त करेंगे। जैसे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, सुतो गोस्वामी देखो जगत में अमर हो गए, इनका नाम जगत में अमर हो गया है। इसलिए ये भागवत का एक नाम श्री अमर कथा। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता की जय। जय जय श्री राधे। कहते इनका जो तीसरा अक्षर है ब, देखो आज मैं तो सुना रहा हूँ, कल आप लोग से सुनूंगा। ये भागवत ये 4 अक्षर क्यों है और 1 अक्षर क्या बोलता है, मैं देखूंगा कल। मेरे को जो बोल पाएगा ना उसको इनाम होगा। मैं देखूंगा मेरे को जो बोल पाएगा कल उसको मैं इनाम होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे ध्यान से सुनो, ऐसे यहाँ कथा सुन करके गेट से जब निकले अपना पल्लू झाड़ कर चले जाते, ये कथा को अपना घर में लेकर के जाओ, अपना बच्चों को भी सुनाओ, पत्नियों को भी सुनाओ, परिवार में सबको सुनाओ, सबका भला हो। जब स्वयं शंकर जी कहते हैं ये कथा सुन करके मैं अमर हुआ, माता पार्वती स्वयं कहती है मैं भी अमर बनी, अगर आप कथा में घर में सुनाओ तो जो सुनेगा वो भी अमर बन जाएगा, आप भी बनोगे, ठीक है ना। दुनिया का तो बहुत सारी बात भी याद रखते हैं, अगर भगवान की कथा भी याद रखेंगे तो लाभ ही लाभ, ठीक है। इसलिए कहते तीसरा जो अक्षर ब, बोले ब मतलब क्या? बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु। इसलिए श्री व्यास देव जी ये भागवत ग्रंथ रचना करने से पहले 4 वेद को रचना कर चुके थे, सारे उपनिषद को रचना कर चुके थे, ब्रह्म सूत्र को, 18 पुराणों को, महाभारत को, उनने सारी ग्रंथों को उसने रचना कर चुके थे, लेकिन हृदय में शांति नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की, पूर्ण शांति मिली। आप लोगों को भी देख लेना, दुनिया में हम जो कुछ करते हैं ना शांति के लिए, सुख के लिए, लेकिन शांति सुख मिलती नहीं। आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे, देखना आपका मन में कितने शांति, कितने आनंद, कितने खुशियाली मिलेगी, आप स्वयं देखोगे जीवन में कितने शांति और सुख मिलेगी। क्योंकि व्यास देव स्वयं नारायण है, जब तक उन्होंने ये भागवत ग्रंथ रचना नहीं की तब तक उनको शांति नहीं मिली, इसी ग्रंथ से ही शांति मिली। इसलिए बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, बोले सर्व वेद इतिहास नाम सार सार समुद्रितम, बोले तत्र सामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। अगर ये भागवत रस को कोई पान कर लेना फिर तो और किसी रस में उसकी रुचि नहीं रह जाएगी। ये कथा सुनने से उसको सारे ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद जितने ग्रंथ हैं, जो भागवत सुन लिया, बोले अर्थ एवं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, ये भागवत नहीं, ये सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है ये श्रीमद् भागवत।
इसको सुनने के बाद समझो सब कुछ तुम्हारी सुनना हो गया, सारे सुन लिया। इसलिए जो वाह मतलब होता है जितने शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ श्री भागवत है। बोले ता मतलब क्या, बोले तरणी च भवार नवा, कहते अपार संसार समुद्र से तुम भजा महे भागवतम स्वरूपम। अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, बोले ये भागवत ग्रंथ क्या, बोले तरणी मतलब नाव, जैसे किसी नदी को पार होते ना नाव में बैठ करके, उसी तरह ये भवसागर से अगर पार को ना होना चाहते क्या करो, ये भागवत रूपी नाव में बैठेगा, बस कथा सुनते सुनते ठाकुर जी की चरण में अपने आप ठाकुर जी की चरण में पहुंच जाओ। इसलिए ये भागवत में चार अक्षर क्या, भा ग ब और त, मैं देखूंगा कल किसको याद है। अगर कोई एक अगर भा अक्षर बोल दो, नहीं तो ग नहीं तो ब नहीं तो त, कोई भी एक बात भी याद रह जाए, ठीक है। बस श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन सुन लो और थोड़ी सी कथा सुन लेंगे, आज जल्दी जल्दी कथा को विश्राम दे देंगे और आप लोगों को प्रसाद पा करके जल्दी जल्दी जीत प्रभु इधर है, जीत प्रभु जी, जीत प्रभु इधर आ जाओ। हरे कृष्णा, ठीक है सुना, और 10 मिनट की कथा सुनो, ठीक है 10 मिनट बाद में विश्राम दे देंगे, प्रसाद लेंगे। और कल से एकदम 5 बजे अगर आ जाएंगे ना, हम कोशिश करेंगे 8 बजे कथा को, 8 बजे विश्राम दे देंगे, फिर प्रसाद पाकर आप कोई दूर से आते हैं कोई पास से आते हो। और एक बात सुनो, हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, बड़े गुरु जी कहते थे जब आप आओ 10-10 भक्तों को लेकर के आओ। कितने कितने भक्तों को, गुरु जी हमारे बड़े गुरु जी कहते थे। बोले क्यों, देखो किसी व्यक्ति को अगर चोरी सिखाओ शराब पीना सिखाओ उसको पाप लगता है, अगर किसी व्यक्ति को अच्छे बात सिखाओ उसका फल भी अच्छा मिलेगा। और ये भागवत कथा जैसे पुण्य जगत में कुछ है ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को भागवत कथा में ले आओ, गुरु जी कहते थे जिसको आप लाओगे ना उसको जो पुण्य मिलेगी आधा पुण्य आपको मिलेगा। अगर 10 भक्तों को लेकर के आए कितने पुण्य होगा उसका, अगर आधा आधा हिस्सा मिले फिर तो माला ही माला होगा। और दूसरी चीज ये है, देखो कथा के बाद में फिर प्रसाद की व्यवस्था, माताओं का सबसे बड़ा चिंता है घर में जा करके बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा, पतियों को रोटी कौन खिलाएगा, कितना भूखे भजन ना हो गोपाल, ये सबसे बड़ी चिंता रहती है। लेकिन यहाँ पर तो रोज रोज भंडारा ही हो रहा है, इसलिए सब तो अपना पति को लाओ बच्चों को लाओ सबको लाओ और सबको भगवान की कथा सुनाओ, सबको भी शांति मिलेगी और सबकी इच्छा पूरी होगी और भागवत में प्रसाद मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए कल से कितने कितने भक्तों को लेकर के आओगे, बोलो जोर से, और मेरे को दिखाना ये 10 लोग किसको लाए हो मेरे को दिखाना, ठीक है। हाँ देखो और एक बात सुना, देखो ध्यान देकर सुनो, हमारे जो बड़े गुरु जी, ध्यान देकर सुनो, हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने आकर के बोला, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते। तब हमारी बड़ी गुरु जी ने बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, भागवत कभी पढ़ते हो, बच्चों को कभी रामायण भागवत पढ़ाते हो। बोले नहीं, बोले जो भागवत पढ़ेगा नहीं, जो रामायण सुनेगा नहीं पढ़ेगा नहीं, उसको यही दंड करेगा। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे क्यों, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाते भागवत पढ़ाते, रामायण पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु न महिमा, भगवान सबसे पहले उठ करके माँ और पिता के चरण छूते थे। इसलिए शास्त्र में बताया जो सवेरे उठ करके पिता माता को चरण छुएगा उसको 4 लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, बोले बल ऐश्वर्य शक्ति श्री ये सब उनको मिलेगा जो सवेरे उठ करके पिता माता की जो चरण छुएगा। बोले गुरु जी बोलते थे अगर रामायण पढ़ते, रामायण में लिखा हुआ सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुओ, जब दशरथ महाराज शयन करते हैं भगवान राम स्वयं अपना पिताजी की चरण सेवा करते हैं।
अभी बताओ सवेरे उठ करके कौन अपना पिता माता को प्रणाम करते हो और सवेरे उठ करके कौन अपना सास ससुर को प्रणाम करते हो? कौन अपना सास ससुर को प्रणाम करते हो? इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे हम लोग क्या करते हैं बच्चों को इतने पढ़ा लिखा कर देते हैं, इतने पढ़ा लिखा कर देते हैं, वही बच्चा जब ज्यादा लिख पढ़ जाता है ना पिता माता को गाली गलौज करता है, बोले तुम क्या जानते हो अनपढ़ हो गंवार हो, हमने PhD किया है, हमने इंजीनियरिंग डॉक्टरी हमने किया है, तुम क्या जानते हो। कभी कभी बच्चों को इतने लिखा पढ़ा सिखा देते हैं बच्चे उदंड हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को कभी हम ये नहीं बोलते बेटा एक माला को जप कर, थोड़ी रामायण पढ़ो। भगवान राम पितृ आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने 14 साल तक वनवास दे। अगर रामायण पढ़ोगे तब तो संस्कार बढ़ेगी। जिन्होंने भगवान हो करके पिताजी की सेवा के लिए कसर रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए भरो वचन न जाए। अगर भगवान तो 14 साल के लिए गए थे अपना बेटे को बोले तू 14 दिन के लिए कहीं जा, बताओ तुम्हारी बात सुनेगा? हम सारा दुनिया में जाते हैं सारा दुनिया एक ही रटना लगाते हैं बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बात सारा दुनिया में लोग कहते हैं बच्चे बात नहीं सुनते हैं। और भक्ति का नाम सुनने पर शरीर में जैसे मिर्च छिड़का देते ना उनको ऐसे लगता है। अगर भगवान की अगर बात कोई सुने तो जो व्यक्ति आस्तिक नहीं बनेगा भगवान को मानेगा नहीं वो पिता माता को क्या सेवा करेगा, कर ही नहीं सकता है। बच्चों का स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं 10-10-20 मिनट आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं कहते हैं बेटा सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुओ, गीता का एक श्लोक पढ़ो, थोड़ी रामायण पढ़ो। सुने रामायण पढ़ेगा तो क्या होगा, श्रवण कुमार पिता माता को कंधे पर लग करके सारा दुनिया उन्होंने उनको दर्शन कराया। अगर ये सब बात पहले होती थी ना इसलिए बच्चों को अंदर में संस्कार पड़ते थे, लेकिन अभी सारे अंग्रेजी सीखा, अंग्रेजियों को रहन सहन खान पान सब अंग्रेजियों का चीज को शिक्षा करने के लिए शिक्षा में सबके सब शिक्षित होने चाहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप बच्चों को लाओगे, अगर आप चाहते हो तुम्हारी बेटा श्रवण कुमार बने, घर में गीता हो नहीं तो रामायण हो, बेटा जैसे राम हो और बहू जैसे सीता होना बस वही घर ही वृंदावन है, वही घर ही वृंदावन है जिस घर में राम जैसे बेटा और बेटी बहू सीता जैसे हो और घर में गीता हो नहीं तो रामायण हो बस कल्याण हो जाएगा। इसलिए सवेरे उठ कर क्या करना, कम से कम एक चीज भागवत से लो सवेरे उठ करके पिता माता की सास ससुर की सबके चरण छुओ। मैं देखूंगा कल पूछूंगा कौन कौन सवेरे उठ करके छुओ। हाँ देखो इधर से एक संत कह रहे थे, एक संत कह रहे थे अगर सवेरे उठ करके सास ससुर को भी चरण छुए ना क्या लाभ है। जैसे माना एक व्यक्ति या 3 बेटे हैं, कहते घर का जितने सोना चांदी किसको पास में रहता है, पिता माता को पास में रहता है। मानो एक घर में 3 बेटे और 3 बहू, अगर जो बहू सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुएगी कुछ दिन बाद में तीनों बच्चे जो बंटवारा होगी, अभी पिता माता क्या सास ससुर क्या करेंगे, जो बहू ज्यादा सेवा करेगी ना वहां से कुछ सोना चांदी अलग लेकर उसको हाथ में पकड़ा देंगे, बोले तू इसको अलग रख ले बोलना नहीं, क्योंकि बंटवारा होगी ना कल ना बंटवारा होगी तो सबको बराबर होगी। इसलिए पिता माता की चरण छूना सास ससुर की सेवा करना लाभ ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए सबके सब उठ करके पिता माता को गुरुजन को आदर कर। देखो हम जैसे अपना पिता माता सास ससुर को आदर करेंगे हमारा घर में जो बहू आएगी बच्चे होंगे वो भी हमें ऐसे ही आदर करेंगे। अगर हम स्वयं पिता माता को आदर नहीं करेंगे तब बच्चे हमारा आदर कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते। हम जैसे करेंगे वैसे तो भोगेंगे ना, ठीक है। इसलिए कथा में बच्चों को लाओ, बच्चे लोग कथा सुने और हमारे बीच में कुछ भक्त लोग प्रभु लोग हैं, हम चाहेंगे आपको बच्चों के लिए अलग क्लास दे। हाँ देखो मैं कुछ दिन पहले ध्यान देकर सुनो, कुछ दिन पहले मैं गया था फरीदाबाद में एक ओल्ड हाउस में, मैंने देखा वहां पर जिनका घर 5-5 गज कोठी है, 1000-1000 गज को कोठी वो ओल्ड हाउस में बैठे हुए। हमने पूछा भैया तुम ओल्ड हाउस में क्यों इतने धनी होकर, बोले हमसे गलती हो गई, बोले किया, बोले बच्चों को बोले पढ़ो 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 और इतना ज्यादा पढ़ा दिया ना
बच्चे ही हमें नेग्लेक्ट करना शुरू किया, भक्ति की कोई संस्कार नहीं डाले, नास्तिक ही बने। इसलिए एक दिन इतना लड़ाई घर में झगड़ा हुई, हमने कहा भैया घर में शांति होनी चाहिए। घर में बहू जब से आई इतने लड़ाई झगड़ा हुई, बोले भैया घर में शांति रहनी चाहिए। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी 500 घर की कोठी छोड़कर अभी हम ओल्ड हाउस में बैठे। अगर बच्चों के ऊपर में भक्ति की संस्कार डालोगे ना, कभी ओल्ड हाउस में नहीं जाओगे। और मैंने वहां पर देखा, किसी मुसलमान को हमने नहीं देखा, जितने ये हिंदुओं को देखा। बोले क्यों, आप देखना मुसलमान शुक्रवार को देखना, इतने छोटे छोटे बच्चों को भी टोपी पहना करके ले जाते हैं मेन रोड में नमाज पढ़ा, मेन रोड में बैठा करके नमाज पढ़ते हैं मुसलमान बच्चे। आप बताओ कभी अपना बच्चे को बोलते हो गीता पढ़ तू, बोलो कौन बोलता है उसको? तो स्मार्टफोन पकड़ा देगा, स्मार्टफोन पकड़ा। मैंने गया था कथा करने के लिए जयपुर, देखा है कि 5 साल का बच्चा पतंग उड़ाते हुए, उसको नाम मैंने पूछा तेरा नाम क्या, उसने जो नाम बताया ना मैंने समझ गया कि मुसलमान है। मैंने कहा तेरे को कुरान आता है? वो छाती फुला करके बोल रहा था, एकदम कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारी धर्म में कितने साल उम्र से कुरान सिखाए जाते हैं? बोले हमारी धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में उनको कुरान पढ़ाया जाता है, कंपलसरी उसको 2 साल उम्र में कुमर कुरान। हमारी हिंदुओं में हमारी धर्म सर्वश्रेष्ठ, हम सनातन धर्मी हैं। कोई बोलते हैं बच्चों को गीता भागवत पढ़ रामायण पढ़, नहीं बोलते हो तो तुम्हें ओल्ड हाउस में बैठना नहीं पड़ेगा, कौन बैठेगा, तुम्हें बैठना पड़ेगा। अगर चाहते हो घर को गोलोक वृंदावन बनाना तो क्या करो, घर को अगर गोलोक वृंदावन बनाना चाहते हो तो पहले संस्कार पिता माता से ही पड़ेगा, पहला गुरु पिता माता, उसको बाद में फिर कोई। पहला गुरु कौन है? पिता माता पहला गुरु। अगर पिता माता भक्ति करेंगे, गले में कंठी पहनोगे, माला लगाओगे, माला जप करोगे, तभी बच्चे को बोल सकते हो तू भी एक माला कर। खुद टीवी में दिन भर टीपे घरे हो, खुद स्मार्टफोन लेकर दिन भर बैठे हो, तो बच्चों को क्या तुम सिखा लो? बच्चों को वही शिक्षा दे सकते हैं जो स्वयं बच्चे के लिए बलिदान देना पड़ेगा। खुद को ये चीज से दूर रहोगे तभी तो बच्चों को तुम संस्कार दे सकते, नहीं दे सकते थे। इसलिए पहले भजन करो पिता माता, भजन करो और बच्चों को भी भक्ति की संस्कार डालो, तभी बच्चे अच्छे बनेंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय आज बहुत रात हो गया है। हमारे जीत प्रभु है यहाँ पर, कहाँ गए प्रभु? आ जा, हरे कृष्ण। हाँ देखो हम लोग फिर हम लोग कल से ये भागवत कथा को कोशिश करना, अगर तुम्हारी 800 जो लोग होंगे उनको लाने के लिए कोशिश करना। ठीक है, आपका भी कल्याण, जो जिसको लाओ उनका भी कल्याण है, जिसको लाओगे आधा फल आपको भी मिलेगा, इसे लेकर के आना। और कल कितने बजे शुरू होगी बता, इसलिए हम लोग कोशिश करना जैसे 5 बजे आएंगे तो 8 बजे हम कथा को विश्राम दे देंगे। ठीक है, और सबके सब प्रसाद ला कर जाना। अभी कुछ अनाउंसमेंट है, एक बार हाथ उठा कर बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। एक बार और बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। आज बहुत सुंदर संकीर्तन हुआ, हरिनाम संकीर्तन हुआ। दीनी माताएं ये सब इतने सारे कलश लेके आए और रास्ते में सुना बहुत अच्छी प्रसाद की व्यवस्था हुई, तो पावर तो पूरी आई होगी आप लोगों में। क्या क्या प्रसाद मिला है? बोल नहीं रहे
क्या क्या मिला बोलो? समोसे, फ्रूटी, क्या क्या प्रसाद मिला? फ्रूटी, सिकंजी, लड्डू, पकौड़े, फ्रूटी और क्या? समोसा, समोसे और लड्डू भी तो मिले। लड्डू, लड्डू नहीं बोल रहे। केले। तो आप आज तो कथा का पहला दिन है, आज हॉल में तो काफी भीड़ है, कल से हम लोग बाहर भी व्यवस्था करेंगे, चेयर डलवा देंगे और कारपेट भी बिछेगा, और कोशिश यही है कि बाहर स्क्रीन भी लग जाए, मौसम को देखते हुए उस हिसाब से व्यवस्था है। तो इतनी सुंदर कथा का आयोजन है, 7-8 दिन अब उत्सव का माहौल रहेगा, जैसे जैसे उत्सव आते जाएंगे, इसी दिन जन्माष्टमी है। आपको बच्चों के लिए हम कोशिश करेंगे अलग क्लास देने के लिए, हमारे बीच में यहाँ पर एक रोहिणी सुधा प्रभु है, वैभव प्रभु जी और हमारे श्री अनिरुद्ध और श्यामानंद प्रभु, ये लोग आप बच्चों के लिए अलग अलग कुछ क्लास देंगे, आपको बच्चों के लिए अगर बुलाओगे आपको बच्चों को हैं अलग अलग, हम कोशिश करेंगे आपके बच्चों को अच्छे संस्कार पड़े, और जोर जबरदस्ती बच्चों को बुलाना, ऐसे नहीं बात बच्चे बात नहीं सुनते, नहीं, जब उसको जोर जबरदस्ती स्कूल भेज सकते हो पर यहाँ क्या नहीं ला सकते, अच्छे काम के लिए नहीं ला सकते, ठीक है? तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, बैठने की सारी व्यवस्था है, आराम से यहाँ पर एसी लगा हुआ है, और प्रभु जी महाराज जी ने बताया अभी कि कैसे ये अमर करने वाली कथा है, हैं? और इसकी इतनी महत्ता बताई, खुद को तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में जिसको लाएंगे उसको उसके हिस्से का भी पुण्य आपको मिल जाएगा, उसे भी मिलेगा और उसके हिस्से का आपको भी मिलेगा। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों को, संबंधियों को और जानने वालों को ला सकते हैं, कथा के बारे में बता सकते हैं, आप उन्हें ला सकते हैं, है ना? जब मौका है, व्यवस्था है, फायदा उठाना चाहिए। अगर अभी पता चले नोएडा में कहीं पर 100 की एक गड्डी मिलेगी, केवल वहां पे जाना है, हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो यहाँ तो 100 की गड्डी पता नहीं कितनी रख दोगे तब भी नहीं मिलेगी ये अमर कथा सुनने के लिए, उतनी व्यवस्था है। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है, आप लोग एक तो डेली आए, समय से आए, है ना? समय से आएंगे तो जल्दी आएंगे, तो जल्दी कथा को विश्राम करके और जल्दी प्रसाद की व्यवस्था हो सकती है, और पूरे परिवार के साथ आइए, शाम के समय माता और दीदियों को तो प्रसाद बनाने की व्यवस्था है, मैंने चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा, बाहर हम लोगों ने जूते की व्यवस्था की है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी लोग वहीं उतारें जूते, हैं टोकन लेके, क्योंकि चारों तरफ फैले रहते हैं तो फिर उससे जो कारपेट पे बैठना चाहते हैं उन लोगों का फिर मन नहीं करता, और बाहर चेयर के लिए फिर थोड़ी सी अव्यवस्था होती है। दूसरा, जो बाहर पानी के पीने की व्यवस्था है उसको आप लोग थोड़ा सुचारू रूप से उसका सोचकर इस्तेमाल करें, खाली पानी पीने के लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको बहाने की आप लोग देखें थोड़ा सा, जरा बच्चों को भी अपने बताएं कि वहां बहाने की जरूरत नहीं, और जो प्लास्टिक के ग्लास है बहुत सोच के इस्तेमाल करें, हैं? आप लोग भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते होंगे ना, आजकल प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, और यूज करें तो उसके बाद बाहर ड्रम भी रखा है, चारों तरफ कचरा ना फैलाएं, हैं? ये तो पवित्र जगह है, तो जितना हम अपना प्रयास करेंगे पवित्र रखने का उतना अच्छा। और प्रसाद जो है, मेरी प्रार्थना कि पुरुष लोग, प्रिया लोग जो है वो पीछे वाले गेट से ले, और दीदी लोग, माता लोग आगे वाले गेट से लाइन लगा करके, काफी व्यवस्था है और उसके लिए जरा भी भगदड़ करने की जरूरत नहीं, और भगवान की कृपा से आज के प्रसाद की जो व्यवस्था है, श्रीमान शालिग्राम पाठक जी और उनके यहाँ से श्रीमती इंदिरा पाठक जी, इन लोगों के परिवार ने आज के प्रसाद की व्यवस्था करी है, तो आप लोग ताली बजा रही है इन लोगों के लिए, वंदना एंक्लेव थोड़ा कॉलोनी से हैं ये लोग। तो मेरी प्रार्थना, एक तो ये इनका परिवार पाठक जी का, ये आगे आए, आगे आकर भागवत जी की आरती करें और महाराज जी से आशीर्वाद लें, उसके बाद फिर बाकी लोग आके आगे आरती कर सकते हैं, पहले इस परिवार को आरती करने दें। और भगवान से प्रार्थना है, जैसे इनको प्रेरणा दी भगवान ने प्रसाद में सहयोग करने की, ऐसी हम सभी के मन में प्रेरणा दें, थोड़ा बहुत किसी समय हम भी भक्ति में आगे बढ़ पाए। भागवत शास्त्र ने बताया कि भागवत कथा की इतनी महिमा, इतना पुण्य, एक अन्न का दाना अगर कोई दे दे, एक अन्न का दाना, किसी जीवन में घर में अन्न और वस्त्र की कभी घर में अभाव नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी उसके घर में भरपूर रहेगी, ये भगवान के वरदान है। ये भागवत कथा में एक अन्न दान देने का इतने महत्व है। ठीक है, एक भजन गा लो प्रभु जी, और नाचने वाले भजन है, आप लोग सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे,
और भागवत कथा में नाचने का भी बड़ा पुण्य है। सब से हम देखते हैं कितना उसके बाद आरती प्रसाद देखते हैं। जय मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या बो जानू पिछलिया से आना से मोहन से दिल क्यों लगाया है Oh,
Thank you.